नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। कोरोना के खिलाफ देश में 1 मार्च से दूसरे चरण का टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। इस चरण में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और 45 साल से ऊपर के उन लोगों को टीका लगेगा जिन्हें पहले से कोई बीमारी हो। इस चरण में टीके सरकारी अस्पतालों के साथ साथ निजी अस्पतालों में भी लगाए जाएंगे। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त, लेकिन निजी अस्पतालों में प्रति खुराक 250 रुपए शुल्क लिया जा सकता है। वहीं आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने शनिवार को उन 20 बीमारियों की लिस्ट जारी की है जिनमें से किसी शख्स को कोई एक बीमारी है और उसकी उम्र 45 साल या उससे ऊपर है तो वो कोरोना की वैक्सीन लगवा सकता है। इनमें डायबिटीज, हाइपरटेंशन, किडनी, लीवर, ल्यूकेमिया, HIV ग्रसित, बोन मैरो फेलियर और हार्ट फेलियर समेत 20 गंभीर बीमारियों को शामिल किया गया है। इसमें कैंसर से पीड़ित लोग भी शामिल किए गए हैं। इन 20 बीमारियों से पीड़ित 45 साल से ज्यादा उम्र के लोग जो वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, उन्हें अपनी बीमारी का मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाने पर ही वैक्सीन की डोज दी जाएगी। कोरोना वैक्सीन की डोज लेने वाले लोगों को अपने साथ एक फोटो ID दस्तावेज ले जाना जरूरी होगा। इनमें आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड भी शामिल है। इसके अलावा 45 साल से 59 साल तक की उम्र के लोगों को वैक्सीन की खुराक के लिए गंभीर बीमारी से पीड़ित होने वाले मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाने होंगे। ये सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड डॉक्टर्स की तरफ से प्रमाणित होना चाहिए। गौरतलब है कि भारत में कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम की शुरुआत 16 जनवरी से हो चुकी है। वैक्सीनेशन के पहले चरण में हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की डोज दी गई है। अब 1 मार्च से वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि सरकारी अस्पतालों में जहां कोरोना वैक्सीन मुफ्त में दी जाएगी, तो वहीं प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन की कीमत 250 रुपए प्रति डोज रखी गई है। इसमें 100 रुपए सर्विस चार्ज भी शामिल है। ये व्यवस्था अगले आदेश तक लागू रहेगी। सूत्रों के मुताबिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस बारे में जानकारी दे दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा था कि ऑन साइट पंजीकरण कराने की सुविधा उपलब्ध होगी ताकि योग्य लाभार्थी अपनी पसंद के टीकाकरण केंद्र पर जाकर अपना पंजीकरण कराएं और टीका लगवाएं। टीके के लाभार्थी Cowin2 पोर्टल डाउनलोड कर और आरोग्य सेतु या फिर मोबाइल ऐप के जरिए पहले भी अपना पंजीकरण करा सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।